वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्फ कैरियर्स डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है ट्वेल्थ की फिजिक्स से बार मैग्नेट एज एन इक्वलेंट करंट कैरिंग सोलो नाइट तो इसके लिए हमने आपके सामने एक बार मैग्नेट रखी है इस बार मैग्नेट के डायमेंशनस को डिफाइन किया है इसके पोल्स हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल मैगनेटिक लेंथ 2l एल सेंटर ऑफ द बार मैगनेट ओह और हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की है दिस इज़ कॉल्ड द एक्शन लाइन इस एक्शन लाइन पे पॉइंट P लिया है दिस इज एट एडिशनस r तो यहाँ से हमने एक सोलोनाइड ले लिया है इस सोलोनाइड में करंट आई जा रही है इसका हमने सेंटर लोकेट किया यहाँ पे एक एक्सीज ड्रा की इस एक्सीज पे एक पॉइंट पी ले लिया इस सोलोनाइड की हमने लेंथ टू एल ले ली डेट मीन्स फ्रॉम दिस लाइन सेंट्रल लाइन एल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इस सेंट्रल लाइन से लेके इस एंड तक और एल है डेट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द सोलोनाइट इज टू एल इसके बाद हमने इस डायग्राम में एक सेक्शन ले लिया है एक एलिमेंट ले लिया है छोटा सा एलिमेंट कॉल दिस एज एन एलिमेंट ये एलिमेंट हमने डी इन द फॉर्म ऑफ डी ले लिया है एट अ डिस्टेंस एक्स अब देखिए हमने इन दो को कंपेयर करना है हमने देखना है कि हाउ दिस बिहेव दिस बार मैग्नेट बिहेव एज एन करंट कैरिंग सोलनाइड तो इसके लिए अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेचर ऑफ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस अगर हम मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक कंपास से ड्रा करेंगे फॉर दिस बार मैग्नेट एंड फॉर दिस करंट कैरिंग सोलनाइट वी विल ऑब्जर्व दैट बो द नेचर ऑफ बनेफिक लाइन फॉर दिस बार मैग्नेट एंड द करंट कैरिंग सोलनाइड आर द सेम सो वी कैन से दैट दिस सोलनाइड बार मैग्नेट इट बिहेव एज अ करंट कैरिंग सोलनाइड अब एनेडिकली हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये होता है तो इसके लिए अगर आपको याद होगा हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने यहाँ पर इस बार मैगनेट के लिए हमने बी ए निकाला वट दिज़ बी ए बी एज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंग्थ एट एनी पॉइंट ऑन एक्शल लाइन दैट इज़ गिवन एज टू आई म्यू नॉट डिवाइड बाई फोर पाई एम डिवाइड बाय आर क्यू अब अगर हमारे पास इस पॉइंट पी जो कि एक्शल लाइन किसके एक्सीस पे या एक्शल लाइन पर हैं सोलोनाइट के एक्सीस पर हैं अगर इस पर भी यही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकलेगी तो वी कैन से दैट वी कैन जस्टिफाई और वी कैन से दैट दैट द बार मैग्नेट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इकोलेंट करंट कैरिंग सोलोनाइट तो इसके लिए हम कुछ यहां पे लिखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे पैरामीटर्स इसके सोलोनाइट के तो हम लिखेंगे आई पहले लिखेंगे आई करंट इन ए सोलेनाइड इसके बाद लेंथ ऑफ द सोलनाइड इसके बाद ए साइज ऑफ सोलेनाइड मीन्स द रेडियस ऑफ द कॉयल इसके बाद यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे एन लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ अब देखिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कंसेप्ट आपने डिस्कस किया है जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सीज ऑफ द करंट कैरिंग लूप अगर आपको याद होगा मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफ उस आइडिया के बारे में आपको ब्रशअप करूँ उस वो आइडिया में आप ब्रशअप करूँगा यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दूंगा अगर हमारे पास एक लूप है इसमें करंट आई जा रही है और ये इसका सेंटर है और ये इसकी एक्सीज है इस एक्स पॉइंट पी पे अगर हम हमने ये इसका साइज है इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो दैट हैज़ बीन गिवन बाय द एक्सप्रेशन बी इज यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाई इनटू टू इनटू आई द करंट कैरिड बाई दिस लूप इंटू पाई इंटू आर स्क्वा दैट इज द साइज ऑफ द लूप डिवाइड बाई आर स्क्वा प्लस एक्स स्क्वा थ्री बाई टू दिस कॉन्सेप्ट वी यूज फॉर द सोलनाइट अब देखिए अब इसके लिए ये फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक एलिमेंट

एन इन टू डी एक्स नंबर ऑफ टर्नस तो ये वाली इस वाली एक्सप्रेशन से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डी बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंग ड्यू टू द करेंट कैरिंग एलिमेंट डी एक्स एट पॉइंट पी इज गिवन बाय mu naught divided by 4 pi into twice into i into pi what is here r r is the size of the coil that is the radius pe jo r and capital r this r will be replaced by a to a square divided by now here it is again in a set of r you have to write a square plus now what is the x x is here you see here it is x the distance from the center. So it is here p to this dx we have here r minus x. So we write this as r minus x whole square whole raised power 3 by 2 into number of turns in the element that is n into dx. So this is the expression for the magnetic field at point p. ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द सोलनाइड सी हेयर लुक हेयर हमने अब एलिमेंट का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो लिखा अब यहाँ पर अगर हमें सोलोनाइड का लिखना होगा तो सिंपली हमारे पास एक टूल है दैट इज द टूल ऑफ इंटीग्रेशन तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बिफोर इंटिकेटिंग दिस इक्वेशन लेट इस हैव द इंपॉर्टेंट एब्जन assume if this R is, if R is greater than A and it is R is also greater greater than it is also greater greater than A it is also greater greater than X then this equation is modified as db is equal to mu naught divided by 4 pi into twice i pi a square divided by now, this can be ignored as zero. This x can be also ignored at zero. So we are left with r square raised to power three by two. That will be R cube only with n and dx. This is the number of turns. So to get the magnetic field at point P due to the current carrying solenoid, we will simply integrate this equation. So what you will do? So the next step may Integrating. above इक्वेशन वी गेट तो क्या आएगा आराम से देखिए इसमें क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप जो है इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ अब देखिए यहां पे इट बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाई into twice into i into pi into a square divided by r cube into n into dx now between the limits here it is for the x this dx it may extend from this point to this point and from this point to this point so the limit for this dx is minus l to plus l that is here the length of the solenoid when we calculate the final expression, this will express. This will be expressed in terms of the length of the solenoid that is 2L. You see here how this is here simply B is equal to mu naught this 4 pi 2 i pi a square r cube and they all are constants. So we write this as mu naught divided by 4 pi into twice i pi a square divided by r q. इंटू एन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बिटवीन द लिमिट्स एल टू प्लस एल सो जब हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे हमारे पास आएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय फोर पाई इंटू टू आई पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यू इंटू एन अब देखिए यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन है एक्स अब एक्स की इंटीग्रेशन बिटवी लिमिट्स माइनस एल टू प्लस एल and we will finally solve this we will get the expression b the magnetic field is equal to mu naught divided by 4 pi into twice i pi a square into n into 2l for this because this will be l plus l l minus minus l that will be 2l divided by r cubed तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखेंगे जो मैंने एन सर्कल किया ये ये वाली टर्म जो मैंने एन सर्कल की दिस इज हेयर जब मैंने जब ये एन सर्कल मैंने किया ये वाली टर्म मैंने एन सर्कल की दिस इज आई दिस इज हेयर द एरिया एंड दिस इज द नंबर ऑफ टर्स इट मिल्स दैट दिस इज हेयर द मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट सो यू कैन राइट दिस हेज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई फोर पाई इंटू ट्वाइस दिस होल टर्म विल बी रिप्लेसड बाई एम डिड बाई आर क्यूब which is can be reframed as twice mu naught divided by 4 pi into m divided by rq which is same as that of which is same as that of magnetic field at any point on the extra line of the bar magnet so we can say that bar magnet is an equivalent is equivalent Current carrying solenoid. Current carrying solenoid. So, this is here how we consider this as current carrying solenoid. Thanks.